सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप हमारे साथ देख रहे हैं बी न्यूज। हतरस में घटना के बाद बलरामपुर में हुई बलात्कार और हत्या के प्रकरण पर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। वहीं बगराइच में भी प्रदेश में लगातार हो रहे अपराधों को लेकर बलात्कारियों को तत्काल फांसी दिए जाने की मांग को लेकर सपाइयों ने कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने की कोशिश की, जिसको लेकर पुलिस और सपाइयों में धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने पुतला छीन कर अपने कब्जे में ले लिया। वहीं प्रभारी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के बाद सपा जिला अध्यक्ष राम हर्ष यादव ने कहा कि यह सरकार अपराधियों को रोकने में पूरी तरह से विफल है। जिस तरह से हथरस में बच्ची की जीभ काट दी गई, उसी तरह से सरकार हमारी भी जीभ काट कर अन्याय के खिलाफ बोलने से रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि तत्काल फास्ट कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर बलात्कारियों को फांसी देनी चाहिए। आप देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में कानून का राज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। कानून व्यवस्था चौपट है, डेली हत्याओं और बलात्कारों जैसी गंभीर घटनाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन यह सरकार मूक दर्शक बन करके केवल माफिया सफाई के नाम पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या करवा रही है, इनकाउंटर करवा रही है, उनके मकान ध्वस्त करवा रही है और पुलिस को लगा दिया है कि किसी तरीके से लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज उठने न पाए, इसलिए सारे के सारे पुलिस बल हम लोगों के पीछे लगा दिए गए हैं कि आप अपनी आवाज नहीं निकाल सकते हैं। उधर बलात्कारी एक बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी जीभ काट रहे हैं और योगी बाबा उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठ करके हम लोगों की जीभ काट रहे हैं कि आप कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं। और जिस तरीके से हाथरस की बेटी को पुलिस प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के सरकार के इशारे पर किसी उसके परिजन को वहां तक नहीं जाने दिया और जबरन दाह संस्कार करा दिया, इसी प्रकार जैसे जो बलरामपुर की घटना हुई है वो भी एक दलित छात्रा के साथ हुई है, उसका पैर तोड़ा गया है, कमर तोड़ी गई है, उसका बयान मैंने सोशल मीडिया पर देखा है और इसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसका दम टूट गया, रात में 2 बजे उसको भी दफन कराया जाता है। तो इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं हो रही है बलात्कार जैसी, इन घटनाओं को दबाने का पूरी तरीके से प्रशासन और पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार इनको दबाने का प्रयास करती है और लोकतंत्र को दबाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न पर उतारू है। हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जिन लोगों ने हत्या किया है, बलात्कार किया है, उनसे फांसी से कम की सजा न दी जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवारों को एक एक उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। यह था बगराइच जनपद से राजेश चौहान की रिपोर्ट। और भी खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।